हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 7 साल बाद भारत के सरजमीं पर पहुंची। पाकिस्तानी टीम का भारत में बड़े ही भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की टीम का स्वागत करने के लिए फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था। बाबर आजम की टीम इस स्वागत को देखकर चौंक गई। फिर पाकिस्तान की टीम को बस से होटल ले जाया गया और वहाँ भी बड़े भव्य अंदाज और शानदार स्वागत किया गया। उनको भगवे कलर की शॉल पहनाई गई और पाकिस्तान की मीडिया इस शानदार स्वागत को देखकर बड़े ही खुश होकर बता रही है कि भारत वो देश है जो किसी भी देश का नागरिक होता है दिल से स्वागत करता है। और कुछ समय के लिए माहौल ऐसा बन गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मसला नहीं है। उधर मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट करके लिखा कि हमारा जो शानदार स्वागत हुआ है वो इनक्रेडिबल है, हम इससे खुश हैं। और बाबर आजम से भी बहुत सारे क्रिकेट फैंस मिले। जब वो बस से होटल जा रहे थे तो लोगों ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। और दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ नए ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया पहली बार आए हैं। पाकिस्तान की टीम को ग्रैंड वेलकम के साथ साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। बताया जा रहा है कि इस सिक्योरिटी में तकरीबन 9,000 लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना।